नमस्कार, मैं सुनील गौतम गौतम क्वेश्चन पे आपका स्वागत करता हूँ। और साथियों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक बहुत ही प्रिय वीडियो। आज हम बात करने जा रहे हैं उन पांच देशों के बारे में जो इस समय पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा हथियार बेच रहे हैं, और उन पांच देशों के बारे में जो इस समय दुनिया में सबसे ज्यादा हथियार खरीद रहे हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। साथियों देखिए, इस समय पूरी दुनिया में दो मोर्चों पर युद्ध चले हुए हैं। एक युद्ध चला हुआ है रूस और यूक्रेन के बीच में, और दूसरी तरफ युद्ध चला हुआ है इजराइल और फिलिस्तीन या हमास के बीच में। और जैसे ही युद्ध चल रहे हैं तो हथियारों का बाजार भी बढ़ चुका है। इन सब में सबसे ज्यादा फायदा हो रहा है अमेरिका का, क्योंकि साथियों अमेरिका वो देश है जो इस समय सबसे ज्यादा पैसे कमा रहा है हथियारों के द्वारा। जैसे जैसे हथियारों का बाजार बढ़ रहा है, अमेरिका दिन पे दिन चांदी कूट रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो अभी समझ लीजिए, इस समय जो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा हथियार बेच रहा है वो देश है अमेरिका। अब आप अंदाजा इसी बात से लगा लीजिए कि दुनिया में जितने भी हथियार बिक रहे हैं, ठीक है, उसका 40% अकेला अमेरिका ही बेच रहा है। 40% अकेला अमेरिका हथियार बेच रहा है पूरी दुनिया को। अब आप देख लीजिए ये कितने पैसे कमा रहा होगा। अब अमेरिका की कुछ कंपनी है जो टॉप में है हथियार बनाने में, जैसे कि बोइंग कंपनी है, लॉकहीड मार्टिन है और जनरल डायनेमिक्स है। तो दोस्तों ये वो कंपनियां हैं कुछ जो इस समय सबसे ज्यादा हथियार बना रही हैं और पूरी दुनिया को सप्लाई कर रही हैं। कह सकते हैं कि अमेरिका इस समय सबसे ज्यादा चांदी में है। वैसे भी जब भी पूरी दुनिया में कहीं लड़ाई होती है तो अमेरिका की ही चांदी होती है, क्योंकि ये दो देशों की लड़ाई करवा देता है और फिर ये अपने हथियार सप्लाई करता है। तो दोस्तों इसी सीरीज में जो दूसरा नाम है वो है रूस का। रूस इस समय अगर आप हथियारों की मार्केट की बात करें तो रूस की जो हिस्सेदारी है वो है 16%। जैसे कि आपको पता है कि अमेरिका के बाद रूस सबसे पावरफुल कंट्री है हथियारों के मामले में, और आपने ये बात देखी होगी क्योंकि रूस और यूक्रेन का जो चला हुआ है 2 साल से ज्यादा का समय हो चुका है, उसके बावजूद रूस के हथियार कम नहीं हो रहे, ठीक है दोस्तों। इस सीरीज में तीसरा नाम है फ्रांस का। फ्रांस एक उभरती हुई मार्केट है और इसमें 11% के आसपास हिस्सेदारी है हथियार सप्लाई के मामले में या हथियार की आपूर्ति के मामले में। कह सकते हैं कि जो हथियारों का निर्यात हो रहा है उस मार्केट पर फ्रांस का 11% के आसपास कब्जा है। आपको पता है भारत भी, ठीक है, कई हथियार आजकल फ्रांस से ले रहा है। हमने जो राफेल लिया है वो फ्रांस से ही लिया है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसमें नंबर 3 पर है फ्रांस। इसके अलावा अब बात आती है नेक्स्ट कंट्री की, जो है चीन। चीन इस समय 5.2% मार्केट पर कब्जा करके बैठा हुआ हथियारों की, मतलब कि अच्छी मात्रा में चीन दूसरे देशों को हथियार सप्लाई कर रहा है, जैसे कि पाकिस्तान। और 5वें नंबर पे है जर्मनी जो 4.22% के साथ 5वें नंबर पर काबिज है। तो ये वो पांच दोस्त साथियों जो इस समय पूरी दुनिया को हथियार निर्यात कर रहे हैं और अरबों-खरबों रुपए छाप रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें वो कौन से पांच देश है जो सबसे ज्यादा हथियार खरीद रहे हैं तो उनकी भी बात करते हैं। इसलिए मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, ये जो आंकड़े हैं ये 2018 से लेकर 22 तक के हैं, और अभी 2022 में दुनिया का कुल रक्षा बजट जो दोस्तों रहा है वो रहा है $2200 अरब, मतलब जो पूरी दुनिया ने खर्च किए हैं अपनी रक्षा के लिए वो है $2200 अरब। इतना बड़ा अमाउंट है, आप अंदाजा लगा सकते हैं। ये दुनिया की कुल जीडीपी का 2.5% है। देख लीजिए आप, दुनिया में जो दुनिया की कुल जीडीपी है उसका 2.5% इसमें सिर्फ हथियारों पर ही खर्च हो रहा है। हथियार खरीदने के मामले में, आयात के मामले में जो सबसे पहला देश है वो है भारत, हमारा भारत, क्योंकि भारत को अपने पड़ोसी देशों से बहुत खतरा है जैसे कि चीन और पाकिस्तान। तो इस समय जो दुनिया में जितने भी हथियार बिक रहे हैं उनको खरीदने में जो हिस्सेदारी है भारत की है वो है 11%। आपको पता है हम अमेरिका से भी हथियार खरीदते हैं, हम इजराइल से भी खरीदते हैं, फ्रांस से भी खरीदते हैं और हम रूस से भी खरीदते हैं। तो दोस्तों
भारत इस मार्केट पर टॉप में है हथियार लेने के मामले में। नंबर दो पे है सऊदी अरब। किसी है 9.6%। सऊदी अरब, जैसे कि आपको पता है सऊदी अरब इस समय हथियार खरीदने में पिछले कई साल से टॉप में है, ऐसा सिप्री की रिपोर्ट कई साल से बता रही है। और जो सऊदी अरब हथियार खरीदता है उसमें अमेरिका सबसे आगे है, उसमें अमेरिका टॉप की कंट्रीज में है। सऊदी अरब भारत के बाद वो देश है जो सबसे ज्यादा हथियार खरीद रहा है। और दोस्तों इसी के साथ नंबर तीन पे है कतर। कतर का इस मार्केट में हथियार खरीदने की मार्केट में जो हिस्सेदारी है वो है 6.4%। जैसे कि आपको पता है कतर के साथ इस समय भारत के संबंध ठीक है, लेकिन कतर कई ऐसी हरकतें कर रहा है जो भारत को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आपको पता है हमारे 8 सैन्य अधिकारी थे जिनको कतर ने फांसी बोल दी है, ठीक है, ये बात लगा कि शायद वो फांसी ना हो, तो इसने भारत से पंगा लिया है कतर ने। और कतर की समय जो हथियार खरीदने में हिस्सेदारी है वो 6.4%, और इसी के साथ तीसरे नंबर पर है। तीसरा नंबर है ऑस्ट्रेलिया का। आपको जानकर हैरानी होगी, ऑस्ट्रेलिया भी इस समय काफी हथियार खरीद रहा है और इसकी जो हिस्सेदारी है वो है 4.7%। और पांचवें नंबर पे दोस्तों चीन। चीन भी अच्छी खासी संख्या में हथियार खरीद रहा है और 4.6% के साथ यह भी इस पांचवें नंबर पर बना हुआ है। कुछ कंट्रीज फ्रेंड है जो सबसे ज्यादा हथियार बेच रही है और ये पांच वो देश है जो सबसे ज्यादा हथियार खरीद रहे हैं। तो मैंने जैसे कि आपको बताया इस समय पूरी दुनिया बड़ी संख्या में हथियार खरीद रही है, बेच रही है, और इस समय टोटल जीडीपी का वर्ल्ड की 2.5% जो जीडीपी का हिस्सा है वो हथियारों पर खर्च किया जा रहा है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।